वेलकम टू डेली अमेजिंग इन्फो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, एम इंडिकेटर ऐप से रिलेटेड में ये वीडियो जो है बनाया गया है। अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको इस एम इंडिकेटर एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, ऑफकोर्स पता होगा। और अगर आप पुणे दिल्ली में भी रहते हैं तो भी शायद आप ये एप्लीकेशन यूज़ करें। तो इसके लिए ये फीचर जो है, इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एम इंडिकेटर को जो लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 7.0 दैट इज़ ईगल वर्जन, उसमें हमें अपडेट करना है। अगर अपडेट नहीं है तो प्लीज़ आप उसे एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद ही ये फीचर काम करेगा। तो ये फीचर है फ्रेंड्स, जैसे हम दूसरी जो एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं उन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं, कई सारे मीडियम हैं, वैसे मुंबई में जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए ये एम इंडिकेटर में ये फीचर ऐड किया गया है। अब आप लोकल ट्रेन भी जो है वेस्टर्न हार्बर, ट्रांस हार्बर पर भी जो ट्रेन्स चल रही हैं आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से लोकेशन पर है वो। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया फ्रेंड्स। यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऐड रेगुलर ट्रेन्स, तो इसे अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये फीचर इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप जब ऐप अपडेट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा शेयर लाइव ट्रेन पोजीशन, तो उसमें आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे रजिस्टर पे टच करना है। तो ये रजिस्टर हो जाएगा आपका एम इंडिकेटर ऐप रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं ये एप्लीकेशन, तो मैंने ऑलरेडी ये रजिस्टर कर दिया है और मैं अब चेक कर रहा हूँ लाइव। तो फ़िलहाल मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ, मैं दादर स्टेशन मैंने सेलेक्ट किया है और मैं सेलेक्ट करता हूँ करजत या सेंट्रल लाइन की कोई भी ट्रेन में चेक करता हूँ। नॉर्मली मैं मॉर्निंग ट्रेन कैच करता हूँ, तो मैं ये देखिए CST टू करजत ट्रेन, तो यहाँ पे देखिए CST जो करजत ट्रेन है वो उसका स्टेटस बता रहा है भाईकल्ला से ऑलरेडी जो है वो लेफ्ट हो चुकी है और भाईकल्ला और दादर के बीच में वो है फिलहाल ट्रेन। और ये इसमें एक और ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये तो शेड्यूल टाइम है, अगर ट्रेन लेट है तो आपको उसका एक्सपेक्टेड टाइम भी वहाँ पे आगे शो कर रहा है। तो ये चेंज होता रहेगा, जैसे ही ट्रेन अगर और लेट होती तो चेंज होता रहेगा, बट एक हमें टेंटेटिव आइडिया आ जाता है कि हाँ ये कितना ट्रेन लेट है, 10 मिनट लेट है तो कितना टाइम पे आएगा। कभी कभी हम जो रेगुलर ट्रेन पकड़ते हैं अगर वो मिस हो जाती है तो हो सकता है ये इस ऐप से हम ट्रैक करके वो भी पकड़ सके अगर वो लेट है। तो बेनिफिट्स तो हैं फ्रेंड्स काफ़ी इस जो नया फीचर आया है उससे। तो ये देखिए फिलहाल ये बता रहा है कि 3 मिनट्स लेट क्रॉस्ड करी रोड, तो फिलहाल ट्रेन जो है 3 मिनट लेट है। तो दादर 126 का इसका शेड्यूल टाइम है, बट ये 129 पे दादर पे आ जाना चाहिए। तो फिलहाल ये फ्रेंड्स अभी 29 अगस्त को ही ये फीचर इनेबल हुआ है नए इसमें अपडेट में, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आई होप लाइक ये अच्छा रहे फीचर, ताकि मुंबई में जो ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जाने वाले या रेगुलर जो ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें इस एप्लीकेशन का फ़ायदा हो। और दूसरा जो एम इंडिकेटर ऐप काफ़ी फेमस है, अगर आप मुंबई फर्स्ट टाइम किसी और शहर से भी आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आपको कहीं भी किसी भी स्टेशन या कहीं भी ट्रैवल करना है, बस चेक करना है, सारी चीज़ें इस ऐप के अंदर अवेलेबल हैं, तो आपको कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप चैट ऑप्शन भी है, हम चैट भी कर सकते हैं अगर कुछ पूछना है किसी यूज़र से, तो यहाँ पे हम चैट भी कर सकते हैं। एक ऑलरेडी उनका एक चैट प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। वो आज का जो अपडेट था फ्रेंड्स इतना ही था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ आपके कमेंट ज़रूर इस वीडियो के बारे में शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे हम चेक करेंगे कि आगे हम कैसे चैनल को और इम्प्रूव कर पाएँ, और कुछ और आपको वीडियोज़ जिन पर चाहिए आप उसे लिख कर भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन पर वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।